यही बोलेंगे कि अगर कभी भी जोधपुर आओ ना तो बिना सोचे समझे यहाँ पे आ जाना आप। मैं सच में लूना निकलने वाला था वहाँ पे। तो पीछे आप फोर्ट देख रहे हो तो वहाँ पे हमारा स्टे है। सबसे अमेजिंग चीज, वाओ क्या व्यू है यार ये। एक घंटा लाइन में लगना पड़ता है फिर जाके मिलती है। ये 600 साल पुराना किला है। हम लोग एक ही किले के हैं, हम लोग नीचे नहीं रिश्ता करते। वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो टू। सो आज हम लोग जैसलमेर के लिए निकल रहे हैं। ये हमारा एक तरह से ननिहाल में से हम जैसलमेर के लिए निकल रहे हैं, मतलब यहाँ जहाँ हमने स्टे किया था अब ये हमारे घर जैसा हो गया। और यार बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। मैं अभी सबको बाय भी करने वाला हूँ और सबको आपको मिलवाने भी वाला हूँ। आप कभी भी जोधपुर आओ तो बिना सोचे समझे आप इधर आ सकते हो उनके पास। और भैया तो बेल्जियम चले जाएंगे लेकिन कॉन्टैक्ट विद मैनी टाइम। हाँ, और भैया के जो ब्रदर हैं वो भी पूरा सिटी टूर करवाते हैं। और इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है ना सर, जिनकी ये हवेली है जो ये पूरा कृष्णा प्रकाश। गूगल पे सर्च करके मैं यहाँ पे आया था और पिछले ब्लॉग में हमने बता दिया था कैसा एक्सपीरियंस रहा, बट यहाँ पे आके टोटली डिफरेंट था। जोधपुर के लोग बहुत अच्छे हैं और भैया ने पूरा टूर हमें मतलब यहाँ पे घुमाया फिराया। और सर ने वैसे भी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से रखा हुआ है, इसके पीछे की सारी कहानी भी हमने सुनी है। तो हम यही बोलेंगे कि अगर कभी भी जोधपुर आओ ना तो बिना सोचे समझे यहाँ पे आ जाना। आपको ना तो कोई स्टे में दिक्कत आएगी, ना खाने पीने किसी भी चीज़ में। और भैया के जो ब्रदर हैं वो भी आ रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं और वो आपको पूरी सिटी घुमाएंगे। अगर भैया यहाँ पे होंगे तो अलग ही मज़ा होगा। सर अगर हमारे कुछ फ्रेंड्स या सब आते हैं तो आप उनको पैकेज पूरा प्रोवाइड करवा सकते हो? जी, पूरा राजस्थान का पैकेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके। ट्रांसपोर्ट है, होटल्स हैं, गाइड हैं, पूरा पैकेज ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ में जोधपुर का हेरिटेज वॉकिंग टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। जिसमें जोधपुर की हिस्ट्री, जोधपुर का कल्चर, जो जोधपुर का व्यू पार्ट है, ओल्ड टेम्पल्स हैं, वो सब विजिट करवाते हैं। ओके। सो आप लोगों ने हमारे पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा जो हमने सिटी टूर किया था और जो भी हम ऊपर किला वगैरह घूमा है वो सब सर उन्होंने अरेंज किया। और साथ में आरिफ भाई थे जो हमें लेके गए। ये सोचा था कि जयपुर में शायद हमें ज्यादा दिन चाहिए होंगे और जोधपुर में माइट भी 2 दिन काफी है पूरा जोधपुर घूमने के लिए, पर एक्चुअली 3 से 4 दिन आपके कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आइडिया नहीं होगा। मतलब इतना अमेजिंग है जोधपुर, बहुत अमेजिंग है। यहाँ की मतलब जो अंदर की चीज़ें जो लोग मेरे ख्याल से मिस कर देते होंगे, क्योंकि हम लोगों का भी यही प्लान था कि किला घूमेंगे और बस एक दो चीज़ें आसपास देख के चले जाएंगे, लेकिन जोधपुर के बारे में बहुत कुछ पता चला। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो टाइम निकाल के आओ और सर के पास आओगे तो पूरा जोधपुर अच्छे से घूम पाओगे। बहुत कुछ है जोधपुर में, बहुत कुछ, और बहुत अच्छे लोग भी हैं जोधपुर में। भैया चलो चलो यहाँ पर आओ। तो ये रहे अच्छे लोग जिनसे हम मिले हैं जोधपुर में। थैंक यू सो मच। और बहुत मजा आया यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। तो अभी निकलते हैं जैसलमेर के लिए और बाकी सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले व्लॉग में भी डाल चुका हूँ, इस व्लॉग में भी डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर लोकेशन सब कुछ डाल दूंगा, आप वहाँ से सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा जैसलमेर का ट्रिप भी होने वाला है वो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है। हाँ। तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि कितना अमेजिंग ऑर्गेनाइज किया है, तो बड़ा मजा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। तो अभी निकलते हैं जैसलमेर के लिए। बाय बाय सर। बाय बाय बाय। मामा कैसे जा रहे हैं? रोने वाली भी नहीं आ रही है। ये सच में रोने निकलने वाला था वहाँ पे। और ये हमारे आरिफ भैया। ये हमारे आरिफ भैया बेल्जियम वाले भैया। यार ऐसा प्यार ना सीरियसली घर में भी नहीं मिला है ना। बाय। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भैया। थैंक यू। बाय 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 भैया। थैंक यू। वाह यार, यार सीरियसली अब ना मैं अंदर से भर चुका हूँ यार। यार मैं कहता हूँ जाना ही क्यों, यहीं पे रुकते हैं, एक घर ले लेते हैं आसपास ही।
सो हम लोग पहुंच गए जैसलमेर में और थोड़ा जल्दी पहुंच गए। मुझे लगता है कि वैसे तो सब 5-5.5 घंटे दिखा रहा था, लेकिन हम 4 घंटे में पहुंच गए हैं। सड़कें बहुत साफ़ हैं, एकदम क्लीन, और ये है कि थोड़ा सा बस वहाँ पे जानवरों का थोड़ा सा रहता है, एकदम से नहीं कहीं से भी आ जाते। कुछ जगह पे तो वायर वगैरह लगी हुई है, बट अगर डे में आप ट्रैवल करो तो ज़्यादा बेटर है। और सेकंड थिंग कि पेट्रोल पंप कुछ ही आते हैं, बीच बीच में काफ़ी एरिया खाली है बिल्कुल, तो अपना पहले से ही फुल करके चलो। और दूसरा, हम लोग जहाँ पहुँचे हैं वो पीछे आप फोर्ट देख रहे हो, तो वहाँ पर हमारा स्टे है और अभी उनसे बात हुई है, वो अभी लेने आ रहे हैं। यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी इधर ही, और अंदर गाड़ी नहीं जाएगी और अंदर ऑटो से जाएंगे, तो बस अब वेट कर रहे हैं ऑटो का, ऑटो आता है और फिर सीधा अंदर चलते हैं। तो बैठ गया ऑटो में और अब जा रहे हैं हम अपने फोर्ट में जहाँ पे हमारी बुकिंग है, तो भैया लेके जा रहे हैं हमें। भैया क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण, कितना टाइम लगेगा इधर ऊपर जाने में? 10 मिनट। 10 मिनट ऊपर गाड़ी नहीं जाने देते? ऊपर गाड़ी नहीं जाने देते। अच्छा, यहाँ से ऑटो करके जाना पड़ेगा? अंदर फर्स्ट गेट के अंदर जैसे घुसेंगे ना, हाँ, वहाँ पार्किंग है। बहुत ही अमेजिंग रास्ता था आने का, तो मज़ा आया ये रास्ता देख के। फोर्ट के अंदर बिल्कुल भीड़ा भीड़ा रास्ता है, तो अभी सामान उतारते हैं फिर आपको पूरा बताते हैं यहाँ के बारे में। थैंक यू अंकल, बाय बाय बाय। सो गाइस, इतना अमेजिंग रूम है ना यार, मज़ा आ गया। बहुत ही प्यारा रूम है आप देखो, और मेरे को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जो थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो ना, और ये सब वैसे है। बेड से लेके ये लैंप भी थोड़ा, मतलब ये है तो नया लेकिन थोड़ा अलग से स्टाइल का है। और सबसे अमेजिंग चीज़, वाव क्या व्यू है यार। आपने नीचे से तो व्यू देख ही लिया, अब आपको टेरेस से व्यू दिखाता हूँ मैं। वर्थ इट, वाव, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ से, बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं सनसेट आपको दिखाता हूँ अच्छे से। एवरीवन, इतना अमेजिंग व्यू है हमारे यहाँ से, और आज का हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो टेरेस पे है, और अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो रेस्टी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ऐसे बाल उड़ी हालत में नाश्ता करने आए हो? मैं अभी रेडी नहीं हुआ ना। ओह माय गॉड। सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, और ये भैया और हमारे लिए लेके आए हैं नीचे से स्पेशली। बहुत अच्छे लोग हैं राजस्थान के, मतलब पहले जोधपुर में इतना अच्छा लगा और अभी जैसलमेर में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और जो ओनर हैं आंटी जी, कल रात को हम उनके साथ बैठे रहे, बहुत बातें की और यहाँ हिस्ट्री भी जानी, और बहुत अच्छे लोग हैं यार यहाँ के, मज़ा आ रहा है। मतलब एक होता है कि आदमी घूमने आया है, इंजॉय कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो फैमिली वाला फील आ रहा है कि घूमने भी आए हैं और फैमिली के बीच में ही रह रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी ये स्पेशली उन्होंने हमारे लिए मंगाया कि यहाँ की लोकल ये बहुत फेमस है, तो आपको वो खिलाते हैं आगे पकवान। ओके, अच्छा ये इसको पकवान बोलते हैं? ये पापड़ है। ओके, पापड़ और दाल। उन भैया ने मुझे कल बताया था कि दाल पकवान बोलते हैं इसको। ओके, तो ये पापड़ होता है, इसको दाल के साथ खाना होता है। ये इंटरेस्टिंग है, ये हमने पहले नहीं खाया। हाँ, फर्स्ट टाइम है ये तो। सो मे बी इसे ऐसे तोड़ के खाना होता होगा। आई एम जस्ट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, तो मुझे समझ में आ रहा है, मैंने ऐसे पापड़ को ब्रेक किया और ऐसे मैं दाल डाल रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूँगी।
ये कोई नई डिश ही ना बना देना। नहीं नहीं ऐसे ही खाते होंगे आई एम श्योर। दाल पकवान खा के बताओ। Nice. It's like something like मसाला पापड़ जैसे हम खाते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर वीडियो बंद करता हूँ, पता चले वीडियो के चक्कर में ये सब खा गई तो हम भी टूट पड़ते हैं जल्दी से। तो ये यहाँ की फेमस कचौरी है। भैया बता रहे हैं कि एक घंटा लाइन में लगना पड़ता है फिर जाके मिलती है, और भैया हमारे लिए लेके आए हैं। थैंक यू भैया। इसके अंदर ये चटनी डालनी है स्वाद अनुसार। ये प्याज डालेंगे इसमें, मिर्ची भी डाल सकते हो, इतनी तीखी नहीं है। हाँ पक्का तीखी नहीं है। हाँ नहीं रहने दो। मैं मिर्ची नहीं खाता। चटनी बड़ी अच्छी है। हाँ बहुत टेस्टी है। दो चटनी होगा उसमें मिक्स, एक तो इमली का चटनी होता है, हाँ ग्रीन और वो वाला मिक्स। तो जब भी अगर कभी जैसलमेर में आओ तो ज़रूर ट्राई करना, ये यहाँ की फेमस कचौरी है। और मुझे कई और की कचौरी अभी तक अच्छी नहीं लगी थी, पर ये वाली कचौरी मज़ा आ गया। नमस्ते आंटी जी, वेलकम होटल विक्टोरिया। थैंक यू। तो ये आंटी जी इस होटल के ओनर हैं एंड शी इज वेरी स्वीट। घर जैसा फील आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे हैं सब यहाँ पर और बहुत अच्छे से हमारा वेलकम हुआ है। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं इसके बारे में। ये 600 साल पुराना किला है और हमारे फोर फादर थे यहाँ पे, वो राजा के राज तिलक करते थे यहाँ पे। किले में सिर्फ ब्राह्मण लोगों और जो राजा के जो काम करते थे वो लोगों रहते थे। कामदार लोगों को यहाँ पे हजूरी लोग बोलते हैं, तो उनका एक अलग सेपरेट एरिया है उसमें उन लोगों सब रहते हैं, और बाकी पूरे किले में हम लोगों ब्राह्मण लोग। अभी चलते हैं घर का खाना खाने जो कि आंटी बना रहे। तो ये होटल के बिल्कुल साथ में ही है घर। आंटी क्या बना रहे हैं? हम सबसे पहले तो बना रहे हैं पुलाव। पुलाव ओके। और बैंगन की सब्जी। आंटी ने सब कुछ करके रखा हुआ है। बैंगन की सब्जी इतने सब करती है। आप लोगों को बताऊं, मैं सिर्फ नहाने गया था, उतनी देर में आंटी जी ने ये सब कुछ रेडी कर दिया है। वाओ नेहा सीख लो, उसके बाद चंडीगढ़ जाके बनाना है तुम्हें ये सब। मुझे तो लगता भी नहीं है मैं इतना अच्छा डेकोरेट भी कभी कर पाऊंगी। वो तो मुझे भी उम्मीद है। थैंक यू कुछ नहीं लगता है ऐसे करने बैठो सब हो जाता है। मन होना चाहिए आंटी जी करने का, है ना? आंटी का जो शौक है वो पता है क्या? आंटी ने हमें बताया आंटी का शौक है अच्छा अच्छा खाना बनाना और उसे अच्छे से डेकोरेट करके परोसना और अच्छे से तैयार होके डेक्ड अप होके रहना। देखो आंटी को, आंटी बिल्कुल रेडी होके अच्छे से। ये आंटी के शौक है, वेरी क्यूट। जितने टाइम में आंटी जी ने ये सब कुछ बना दिया ना, अगर मैं और नेहा कुकिंग कर रहे होते तो हम मैगी के लिए वो प्याज और टमाटर ही काट पाते इतनी देर तक। मतलब मेरे तो हिम्मत भी नहीं हो रही ये पूछने की कि आंटी को हेल्प चाहिए, आंटी इतने सुपर फास्ट ये मैं इतने में सोचती रह जाऊंगी कि मैं क्या बोलूं। आंटी जी की स्पीड तो बहुत ही है सीरियसली। मैं क्या बताऊं, मतलब मैं नहाने के लिए आए, अंकल जी आ गए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। भाभी के बारे में बात बोले यार, बोलो भैया अब वो तो जो भी है हमारे भाग्य की। तो बोले जी दूर से आती तो स्मार्ट नजर आती है, पास आती तो मॉडर्न आर्ट नजर आती है। आंटी जी शर्मा आगे लगता है। ये तो बहुत अमेजिंग है। और सोचो आंटी शुगर के पेशेंट है, मीठे के बहाने चाहिए ना, मीठा पराठा ड्राई फ्रूट वाला। आप जैसी छोटी छोटी लड़कियां इसको वहाँ पे 100 जने किराएदार हैं जहाँ हम रहते हैं सूरत। हाँ जी हाँ जी, तीन बिल्डिंग है। हाँ जी, शाम के टाइम पे घूमने जाए आंटी जी ऐसा करके घुमाए फिराए, धीरे धीरे आंटी जी ने वेट रिड्यूस कर दिया। आंटी जी आप तो हमारी प्रेरणा की स्रोत है। आंटी जी ने और दुबला होना शुरू कर दिया। मैं बोला यार इसमें तकलीफ हो जाएगी।
52 किलो वजन का है ना, एक्सेल आता था फिर एम आया फिर और उसके बाद एल आया फिर उसके बाद एम वाला सूट आने लगा। एम पे आगे सीधा एक्सेल से रेस्टी कुछ सीख, एक्सेल से सीधा एम पे आए। मुझे पतला जी आंटी जी आप मेरे को बताओ क्या करते थे, मुझे जरूरत है पतले होने की। अपनी फैमिली है, 13 जनों के अलग अलग दिमाग है, तो सब अपने दिमाग से तो चल नहीं सकता ना, अपन सबको अपने दिमाग से चला सकते और खुद का दिमाग तो कंट्रोल कर सकते, दिमाग कंट्रोल कर सकते, ये सबसे सही बात। अंदर के अंदर आदमी वो होता है तो फिर उसमें तो फर्क पड़ ही नहीं, देख ले। उसके बाद खुश भी रहना पड़ता है ये सबसे मुश्किल काम, अंदर गुस्सा और ऊपर से खुश। बोला ना बहुत गजब टिप्स देती है। एक पास में एक मकान अपना और है, अच्छा, उनको ससुराल से मिला है। अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। इनके तरफ से तो आंटी भी, आंटी आपके फैमिली एक ही किले के, हम लोग नीचे नहीं रिश्ता करते। अच्छा अच्छा, किले का किले में ही अपने अपने में बस। अच्छा अच्छा, इस घर में इतना कुछ भरा हुआ था, एक अलग दुनिया, एक अलग दुनिया है। मतलब आप मानोगे नहीं कि अंकल जी के पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा कलेक्शन बुक्स की जो कभी नाम सुने ही नहीं, मतलब मैंने थिएटर टाइम पे सुने थे बट कभी पढ़े नहीं उस तरीके से। और इतना कुछ हमें अंकल जी के यहाँ से मिला, और आंटी जी तो सुपर, मतलब आंटी जी का तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब खाने के मामले में आंटी जी को इतना कुछ पता है, और अंकल जी को बुक्स के बारे में, कला के बारे में। अमेजिंग यार, बहुत अच्छा लगा हमें अंकल आंटी दोनों से मिलके। और यार बड़े स्वीट हैं दोनों, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। तो जब कभी आप यहाँ आओगे और आंटी अंकल आपको मिले, उनसे मतलब बैठ के चिट चैट जरूर करना, आपका दिल खुश हो जाएगा, अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपका, इतनी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, बहुत अमेजिंग। तो अभी थोड़ी देर में बस जो खाना बना है वो खाते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा, क्योंकि आंटी जी डेकोरेट करके पूरा उनको फिर खिलाएंगे, उनको शौक है। हाँ, उनका ये कहना है कि इतना अच्छा अच्छा खाना बनाए तो ऐसी थोड़ी परोस देंगे, सजा के परोस देंगे, मतलब दिल से बनाए और दिल से ही खिलाएंगे वो। हाँ। सो आंटी जी खाना लेके आए, मैं आपको दिखाता हूँ। वाह वाह, आ जाओ आंटी जी, पकड़ो नेहा, शाही खाना है। आजो आंटी जी, आप पहले आओ। क्या बात है, ये मथुरा जी का पेड़ है, मटर गोभी और ये मूली गाजर, ये रायता, और ये यहाँ की फेमस मिठाई, ये वो कोटवा लड्डू अलग होता है। अच्छा। ये पसदारी का लड्डू है। अच्छा, ये भी यहाँ का फेमस है। ओके, दो लड्डू है यहाँ, एक कोटवा लड्डू और एक पिस्तारी का, तो ये पिस्तारी का लड्डू। अच्छा, और आंटी जी ये सब्जी किस चीज की है? ये टमाटर की चटनी बनाती जल्दी से मैं। अच्छा अच्छा, और ये बैंगन की सब्जी, और ये पराठा, ड्राई फ्रूट का पराठा, ये नमकीन मिली है हमें साथ में, चटनी, कैरी और धनिया पुदीना मिर्ची की। अच्छा, और ये है शाही पुलाव, चने का गट्टे का पुलाव। वाओ, और ये पापड़, पापड़ और चपातियां भी आ रही है। तो चलो आप लोग, हाँ आप भी बैठो साथ में। नहीं नहीं, आप दवाई वगैरह ले लीजिए, शुगर वाली हमें, मैं आराम से खाऊंगी, आप लोग खाओ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया है, एंड वेरी एक्साइटेड। और ये है शाही पुलाव, कैसा लगा? बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा। अगर नेहा चाय भी बनाती है तो 10 बार उसका मीठा चेक करती है, पर आंटी जी ने कुछ भी टेस्ट नहीं किया, उनको अपने खाने पे भरोसा है, उनके अपने अपने तजुर्बे पे भरोसा है कि उन्होंने सब कुछ परफेक्ट ही डाला है। तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये लोग खाई जा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो मैं भी खाता हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग? और इस व्लॉग की सबसे अच्छी बात क्या है, ये हम वो खाना खा रहे हैं जो हम महंगे से महंगे होटल में भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये घर का खाना है, ये ट्रेडिशनल खाना है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और मैं भी जल्दी से खा लूँ। और अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। आंटी जी बाय कर दो।